है तो यहाँ पे बिल्कुल एक्सीडेंट ना हो जाए। और देखो तो फैक्ट्री में काम चैम्बर उधर खाली करने के लिए बस सर वो आ रहे हैं ना, हमारे को नहीं आता बंद कराना, वो हमको टेक्निकल लोग बुला रहे हैं, वो आ रहे हैं उनको अंदर आने देना, तो टेक्निकल लोग हैं ठीक है। जी इसमें गैस लीक हो रही थी कई दिन से, ये नहीं इसे देख रहे थे बाहर रहे थे, अपना ऐसी काम चला रखा है इन्होंने, कुछ देखभाल है नहीं थी कभी भी। कितने लोग एक्सपायर हो गए इसमें? इसमें 5 लोग, 7 खत्म, एक खत्म, एक लगा नहीं आज, और अभी कुछ लोग लगे भी नहीं, अभी क्या ठीक नहीं लग रहा है। प्रातः 7:30-8 बजे के बीच के बाद मोहित पेट्रोकेमिकल्स नाम की फैक्ट्री है जो शहर से कभी 8-9 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। सुबह से पहले अस्पताल गए पूछने में कि हाँ इनका एक जो टैंक है वो ब्लास्ट कर गया, मौके पे आने से पता लगा कि इनके बहुत सारे उपक्रम हैं जिसमें से कि एक इनका शीरे से एफ्लुएंट जो निकलता है वो उस टैंक में जाता है जिसे मीथेन गैस बनाते हैं अपने बॉयलर के लिए। ये बॉयलर इनका 2 दिन पहले जो प्रथम रिश्ता जानकारी के लिए 2 दिन पहले इसमें कुछ टूट फूट हो गई थी जिसे रिपेयर कर रहे थे, तो रिपेयर करते समय अचानक उसको ब्लास्ट हुआ और जो 11 लोग थे वो उसमें से कुछ की डेथ हो गई, कुछ लोग घायल हो गए हैं जिनमें से 6 की मौत हो चुकी है और 2 अस्पताल में एडमिट, 2 यहीं पे मौजूद है और 1 मिसिंग हो गई, तो टैंकर भी खाली कराया जा रहा है जिससे कि हो सकता है कि शायद उसको गिर गए हैं, आसपास के खेतों में भी तलाश कराई जा रही है तो हो सकता है शायद वो इंजर्ड होकर के वहाँ पर गिरे हैं। कौन जिम्मेदार के पास इसमें जो मुख्य रूप से भी नज़र आ रहा है जो टेक्निकल आदमी इनके हैं, फैक्ट्री के कुछ नियम होते हैं तो जो फैक्ट्री जो भी यहाँ पे हमारा सरकारी उपक्रम है उसको चेकअप चेक किया इनका, वो टैंक की जो मजबूती है वो भी चेक होती है कि कितना ये प्रेशर ले सकता है, ये सब सारी चीज़ें हैं। अभी तो सभी जांच लग रही है लेकिन पहला काम हमारा है कि जो भी अभी इंजर्ड है उसको बचाया जाए और जो लोग हताहत हुए हैं उनके घर वालों को हम क्या रिलीफ दे सकते हैं, ये सब किया जा रहा है। मौके पर हमारी फायर ब्रिगेड भी है, डीएम साहब भी है, सारा का सारा स्टाफ है, हम लोग तलाश कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी इसमें देखने की बात है कि जो टेक्निकल आदमी इसकी रिपेयर करा रहा था यदि मीथेन गैस बहुत ही ज्वलनशील होती है तो वो वहाँ पर ऐसे बिना किसी जो सेफ्टी नॉर्म्स के कैसे वो उसकी रिपेयर कर रहे थे जबकि वो खुद ज्वलनशील है और जरा से भी चिंगारी से उसको आग पकड़ सकती थी और हुआ भी यही, उसमें अंतर मीथेन गैस में आग लगी, टैंकर ब्लास्ट कर गया, छत पूरी से उड़ गई और उसमें सभी की तभी इसमें जो मरे हैं या घायल हुए ये सब इसी के लिए है। जो जिम्मेदारी है वो इनका टेक्निकल स्टाफ है, जो इनके फैक्ट्री सुपरवाइजर होंगे वो है और साथ ही साथ जो मिल मालिक है उनकी भी जिम्मेदारी थी कि ऐसे किसी भी ऑपरेशन में जो इनको रिपेयर करा रहे हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, बिना टेक्निकल जानकारी के एक तो फैक्ट्री उनकी है कि नहीं है, उन्हें टेक्निकल क्या जानकारी है और जो टेक्निकल स्टाफ है वो कितना जानकार है, सब सारी चीज़ें जाँच के बिंदु हैं जो किए जा रहे हैं। लेकिन प्रथम स्थिति इसमें गलत है और निश्चित रूप से लापरवाही बरती गई है, इसमें अभियोग भी दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी।